सत्य कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अपने समस्त सम्मानित प्रयागराज जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां देता हूं। सभी का सहयोग रहा है, सभी की एकता से, अखंडता से, सभी के मेहनत से, ईमानदारी से, निष्ठा से ये समाज चल रहा है। प्रयागराज में पूर्णतः शांति है। प्रयागराज मूलतः छात्रों का, माननीय अधिवक्ताओं का और बहुत बड़े बड़े राष्ट्रभक्तों का और देश और समाज को योगदान देने वाले मनीषियों का, ऋषियों मुनियों का ये ज़िला रहा है, शहर रहा है। उसकी धरती को, उसके कण कण को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ ये वादा करता हूँ कि यहाँ हर कार्य न्याय को ध्यान में रख के किया जाएगा, किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अपराध और अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा, वहीं आम जनमानस के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाएगा। कुछ एक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें हमारे जो देश के कर्णधार हैं, छात्र लोग हैं, उनको कुछ छद्म नेता गुमराह कर रहे हैं, उनको सड़कों पर किराहों चौराहों पर लाने का काम कर रहे हैं, उनको उपद्रवी बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे छद्म नेताओं को भी सावधान करता हूँ और अपने छात्रों को सचेत करता हूँ कि उनके माया जाल में, मकर जाल में ना फंसें, अपने भविष्य को ध्यान में रखें। आपके माता पिता बहुत कड़ी मेहनत से आपको काफ़ी आशाओं के साथ यहाँ पे पढ़ा लिखा रहे हैं। आप तमाम ज़िलों से, शहरों से आए हैं, यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं कि अपना भविष्य संवारेंगे। उसको ध्यान में रखिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये कुछ स्वार्थी लोग हैं जो अपने भविष्य को चमकाने के लिए आपके भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं, आपको ढाल बना रहे हैं। याद रखिए, पुलिस आपके सहयोग के लिए है। पुलिस कतई उस पर कार्रवाई नहीं करेगी जो अच्छा है, जो संभ्रांत है, जो न्याय करता है, जो कानून का पालन करता है, उसके साथ मित्रवत रहती है। लेकिन जब भी आप उपद्रवी का रूप धारण कर लेंगे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाएंगे, रेलवे ट्रैक जाम करेंगे, तिराहों चौराहों पर भीड़ लगा करके कोविड के नियमों का उल्लंघन करेंगे, तब हम मजबूर हो जाएंगे आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और आपके खिलाफ लिखा गया एक मुकदमा, एक जीडी एंट्री आपके भविष्य को, आपके करियर को बर्बाद कर सकती है। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन ऐसे छद्म नेताओं के, स्वार्थी नेताओं के बहकावे में ना आए, अपने भविष्य को ध्यान में रखें, खूब मेहनत से पढ़ाई करें। समय आएगा, आपको मौके मिलेंगे, जब अवसर आएगा तो अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए, आप सेलेक्ट होंगे, आपकी नौकरी लगी, आपके भविष्य अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं इस गणतंत्र दिवस पे। सभी को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं।